बिहार में कोरोना की स्थिति पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निशाना साधा, कहा व्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण नरसंहार हो रहे हैं, सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। पूर्व सांसद ने निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित करने की मांग की, बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में दवाई और ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की। पूर्व सांसद ने कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की, जिससे कि सभी का सरकारी ढंग से इलाज हो सके, किसी पर भी खर्च का बोझ न पड़े। पूर्व सांसद ने दवाई और ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने की मांग की। पप्पू यादव ने लॉकडाउन नहीं लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन ना करे। गरीब और मजदूर वर्गों के लिए लॉकडाउन सही नहीं है, सरकार इलाज और दवा की व्यवस्था करे और जांच की सही व्यवस्था करे। रेमडेसिविर आएगा तब मैं कह पाऊंगा कि मैं कितना दे पाऊंगा, अन्यथा अभी मेरे पास नहीं है। अभी तुरंत मेरी बातचीत हुई, मतलब अब अभी से लेकर के जिनको रेमडेसिविर दवाई की आवश्यकता है अब आउट ऑफ मार्केट है, नहीं मिलेगी। एनएमसीएच और पीएमसीएच में डॉक्टर को कोई किट नहीं था, पूछे बोला किट की व्यवस्था नहीं, बिना किट के डॉक्टर्स थे, अपने जीवन को दांव पे लगा के बैठे थे। कोई भी एनएमसीएच पीएमसीएच और आईजीएमएस में बाहर में सरकार का मजिस्ट्रेट और सरकार की कोई भी व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं था, लोग भटक रहे थे, कभी एनएमसीएच कभी पीएमसीएच कभी आईजीएमएस कभी प्राइवेट कभी फिर एनएमसीएच और इसी बीच में लोगों की मौत। अब आप सोच सकते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे कोलैप्स कर गया। तीसरी चीज, मौत की संख्या कंप्लीट रूप से सरकार सही नहीं बता पा रही। और क्या कारण है कि सरकार मौत की संख्या छुपा रही है? चौथी चीज, जिसके परिवार की मौत हो रही है उनको देखने क्यों नहीं दिया जाता? उनको चार लेयर में बंद करके दिया जाता है, फिर जला देने की बात होती है। शमशान घाट पे अस्पताल कुछ कहता है मौत के बारे में, सरकार की प्रवक्ता व्यवस्था कुछ और कहती है। दवाई में बड़ी बड़ी एजेंसी गैस की सप्लाई करने वाले लोग और कुछ पदाधिकारी की मिली भगत से आज हालात पैनिक और भयावह हो गया है। ऐसे कालाबाजारी को रोके, कोरोना से मौत नहीं हो रही है, बीमारी को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करने के चलते आज भारत में और बिहार में मौत हो रही है। दो तीन प्राइवेट अस्पताल जिसको सरकार चाह रही है उसको सिर्फ मिल रहा है, और एनएमसीएच में नहीं के बराबर। और एक ऑक्सीजन की दाम लगभग कई गुना से ज्यादा, जिस लिक्विड की बात हुई आज तक चार टैंकर लिक्विड पटना को नहीं मिल पाए। यहां के प्रशासन ने चार टैंकर लिक्विड उपलब्ध नहीं कराए, हम तीनों जगह गए, वहां के संस्थापक ने सीधा कहा कि कोई भी टैंकर चार लिक्विड हमको नहीं दिया गया। करते हैं जितने बड़े अस्पताल हैं
चाहे वो पारस हो चाहे सेवक हो, उन सेवक सौ से नाम है सवेरा हो, इन सारे अस्पतालों को कोविड, आप सर मेदांता से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि बिहार में वो अपना अस्पताल खोले हैं और इतने बड़ी महामारी में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अभी तक हमने मेदांता को घोषणा नहीं कर पाए। बीटा में 500 सीट की बात हो रही थी जहां पर उन कोई सीट की व्यवस्था नहीं हुई। बेड, जीवन रक्षक दवाई, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और व्यवस्था के कारण ये नरसंहार हो रहा है। इस नरसंहार के दोषी कौन? और जो सरकार और जो पदाधिकारी इतने बड़े मानवीय नरसंहार के जिम्मेदार हैं, ऐसी सरकार को एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए। कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई, सुबह हम IGMS में गए, वहां भी नहीं थी 22 नंबर गेट पे। रात में NMCH में नहीं था, मात्र NMCH में एक सिलेंडर थे। PMCH में कल 10 मौत कल हुई है और 2 मौत मेरे सामने हुई जिसकी गिनती उन्होंने नहीं की जो मोहनिया से और बनारस से आए थे। तो एक अस्पताल में लगभग मिनिमम 10 ऊपर 24 से 25 मौतें कोरोना के नाम पर किया जा रहा है या हो रहा है, तो उसमें भी संक्रमित बीमारी निमोनिया भी है, अन्य बीमारी भी है। लेकिन ये जो मौतें हैं ये व्यवस्था नहीं होने के कारण, बेड नहीं है, सरकार बेड की व्यवस्था कहीं नहीं कर रही। 50 बेड मात्र PMCH में, मेरे सामने में 3-3 कोरोना से पीड़ित व्यक्ति 10 बजे दिन से बैठे थे, रात के 3 बजे मेरे जाने के बाद भर्ती हमने करवाई, 2 को लौटा दिया था, शेखपुरा के और पूरे बिहार के शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे तिवारी जी, और एक मोहनिया के रामविलास पासवान के साले की मृत्यु हो गई। और इसी तरह NMCH की और बुरी स्थिति, अजीब ठेला रिक्शा टमटम बेड इस पर चलेगा, आप वैकल्पिक व्यवस्था करें, सुझाव दे, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन को ना थोपे, जिससे किसान, मिडिल क्लास, गरीब, बेरोजगार और कमजोर बीच का व्यवसायिक आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, कोरोना के खौफ से ज्यादा भूख से मरने की संख्या बढ़ जाए, कोरोना के खौफ से ज्यादा कर्ज से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, इसीलिए लॉकडाउन रिमेनिंग नहीं है। आप
हर कीमत पर इलाज की समुचित व्यवस्था करें, जो बिहार में नहीं है, कोलैप्स कर चुकी है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। किसी भी अस्पताल में व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, भगवान भरोसे है, लोग परेशान है, किसी को कोई बचाने के लिए नहीं खड़ा नहीं है। मैं लगातार रात से सुबह तक एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस, अन्य प्राइवेट अस्पतालों को देखा, जिसमें लगा कि कोई माँ बाप नहीं है, मरने पर हमने मजबूर कर दिया है बिहार के बीमारियों को। अंतिम बात मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अन्य बीमारियों को आप कोरोना में परिणति ना करें, अन्य बीमारियों से मरे हुए लोगों को कोरोना नहीं कहें। यह शंका फैल रही है कि चार लेयर में आप जो बांध कर दे रहे हैं और अन्य बीमारियों से भी जो कोरोना कह के दे रहे हैं, क्या कोई गहरी साजिश तो नहीं हो रही है सदन अस्पताल के भीतर? क्या कोई पाठ का सौदा तो नहीं हो रहा है? इसीलिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा से अपने परिजन को देखना चाहते हैं, मृत्यु के पहले उनके पार्ट को देख, पूरी शरीर को देखना चाहते हैं, तब वो लेना चाहता है। ये आम आदमी की आवाज है। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो